नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कुछ सेकंड में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी सोशल मीडिया को अब बीजेपी और कांग्रेस ने हथियार बनाते हुए भोपाल में वॉर रूम की तैयारी की है, जहां से मध्य प्रदेश में राजनेताओं की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुँच बनाई जा सके। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या अब सोशल मीडिया के सहारे है विधानसभा चुनाव? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब सोशल मीडिया पर गहरी नजर रखी जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने भोपाल में वॉर रूम तैयार कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण, सोशल मीडिया के सहारे चुनाव की तैयारी, बीजेपी और कांग्रेस का सोशल मीडिया वार रूम, भोपाल में खुला वार रूम। वार रूम के जरिए रखी जाएगी नेताओं पर नजर। बीजेपी ने तैयार की 50 लोगों की टीम, 24 घंटे सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दरअसल भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस ने मीडिया वॉर रूम तैयार किए हैं, जहां से पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिए गए बयानों पर नजर रखी जाएगी और समय आने पर जनता के बीच ऑडियो को वायरल किया जाएगा। बीजेपी ने जहां भोपाल में 50 लोगों की टीम तैयार की है, जो 24 घंटे मोर्चा संभालेंगी, वहीं पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से बनाए गए 56 जिलों में 11-11 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई। इस दौरान मंडल स्तर पर 6-6 कार्यकर्ताओं की टीम सोशल मीडिया में जिले और प्रदेश से आई सामग्री, वीडियो, ऑडियो वायरल करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है। वैसे तो चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियों की ओर से वार रूम तैयार किए जाते हैं, जिससे चुनाव में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे करोड़ों लोगों से जल्द जुड़ा जा सकता है। वहीं भाजपा आईटी सेल के प्रदेशाध्यक्ष शिवराज डाबी के मुताबिक सोशल मीडिया का नेटवर्क तैयार है। बूथ स्तर तक सभी को प्रशिक्षित कर दिया गया। कंटेंट रिसर्च सभी क्षेत्र के विशेषज्ञों को टीम में शामिल किया गया। अभी तक जो विषय वायरल किए गए सभी सफल रहे। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया की टीम को नए सिरे से सक्रिय किया है। कांग्रेस का कहना है कि हम लोग केवल जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, नेगेटिव पब्लिसिटी पर फोकस नहीं करेंगे। प्रदेश स्तर पर इस टीम में 100 से ज्यादा विशेषज्ञों को जोड़ा गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सोशल मीडिया का प्रयोग किस हद तक करते हैं। वहीं वार रूम को लेकर अब कार्यकर्ता भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। तो
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने भोपाल में अपना वॉर रूम भी तैयार कर लिया है। और अब इसके साथ ही सवाल उठने लगा है, क्या विधानसभा चुनाव अब सोशल मीडिया के सहारे है? हालांकि बता दें आपको, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। दरअसल भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस ने मीडिया वॉर रूम तैयार किए हैं, जहां से पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिए गए बयानों पर नजर रखी जाएगी और समय आने पर जनता के बीच ऑडियो को वायरल भी किया जाएगा। बता दें बीजेपी ने जहां भोपाल में 50 लोगों की टीम तैयार की है, जो 24 घंटे मोर्चा संभालेंगी, वहीं पार्टी के संगठनात्मक दृष्टि से बनाए गए 56 जिलों में 11-11 कार्यकर्ताओं की टीम भी बनाई गई है। और फिलहाल हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, प्रोफेसर गुरिंदर सिंह, राजनीतिक मार्केटिंग सलाहकार हैं ये। प्रोफेसर गुरिंदर, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रोफेसर गुरिंदर, अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में अब सोशल मीडिया पर पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है दोनों ही मुख्य पार्टियों से, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये आजकल एक ट्रेंड है जी। और सारा मीडिया यूज किया जाता है इलेक्शंस में और सोशल मीडिया भी यूज किया जाता है, मगर ये अब इंडिया में 30 साल से एक प्रैक्टिस चल रही है। ये अच्छी बात है, जो पार्टियां हर तरह का मीडिया यूज करती हैं टू गेट द लास्ट वोट, सारी वोट इकट्ठी करने के लिए, ये अच्छी बात है। प्रोफेसर गुरिंदर, जो वॉर रूम तैयार किए जा रहे हैं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम दोनों ही पार्टियों की ओर से खड़ी की जा रही है, ये किस तरीके से काम करेंगी? देखिए, वॉर रूम में इम्पोर्टेंस ये नहीं होती कि कितने वहां इंसान बैठे हैं जी। वॉर रूम बेस्ड होता है स्ट्रेटजी पे, आपकी ग्राउंड पे स्ट्रेटजी क्या है। अगर आपकी वॉर रूम में 10 आदमी हैं, दूसरे में 100 हैं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो खेल खेला जाएगा ये एप्लीकेशन से, आपका सॉफ्टवेयर क्या है, आपकी टारगेटिंग क्या है, आपका डेटा कौन सा है और आपका कंटेंट क्या है जी। इसमें कंटेंट कितना जनरेट करना, उसमें जो मेनस्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं, जो वही फाइनली कंटेंट प्रिपेयर करते हैं जो डिलीवर होता है सोशल मीडिया के थ्रू जी। डिलीवरी मैकेनिज्म चेंज हो गया है, जैसे दुकानों में फ्लिपकार्ट आ गई है, अमेजन आ गई है, आप वही चीज लेते हैं जो नुक्कड़ की शॉप है उससे, या आप अमेजन से ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट से ले लेते हैं, वैसे ही मैसेज हो गया है जी। मैसेज मेनस्ट्रीम मीडिया की जगह, क्योंकि न्यूज़पेपर की लीडरशिप इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां बढ़ रही है जी। हम ये कैसी मार्केट है जहां न्यूज़पेपर लीडरशिप बढ़ रही है, और हिंदी में तो एक्सप्लोजन है इसका, बड़ी अच्छी बढ़ रही है जी। जो मध्य प्रदेश की मार्केट है, मेनस्ट्रीम मीडिया की सबसे बड़ी पकड़ रहेगी टेलीविजन को फॉलो करते हुए, टेलीविजन कंज्यूमर के नजदीक है, और सबसे पीछे का रोल रहेगा वो डिजिटल मीडिया का रहेगा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिर भी टीवी का ही रहेगा जी। यानी कि ये जो कदम उठाया जा रहा है वो दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम साबित होगा। फिलहाल हमारे साथ पूर्व स्थानीय संपादक हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़े हुए हैं सीके नायडू जी। सीके सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अब सोशल मीडिया पर नजर बनाई रखी जाएगी, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आने को है, दोनों ही पार्टियां मुस्तैदी से जुड़ गई हैं, लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि आप विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया के सहारे हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा जा सकता कि अकेले सोशल मीडिया के सहारे ही हैं। सोशल मीडिया काफी दिनों से पिक्चर में है, कई महीनों से या बल्कि कई सालों से है। अभी इस बार लेकिन तलखीज कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, निरंतर होते रहने वाले चुनावों के कारण शब्दबाण तो चलते ही रहते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बनाई जा रही है। पहले ये जरूर देखा जाता था कि सत्ता से बाहर बने हुए दल जो है उनके पास में कहने के लिए बहुत कुछ रहता था, और सत्तासीन दल के पास में हमेशा छुपाने के लिए बहुत कुछ होता था। अब लेकिन मौसम बदल गया है, कुल मिला के दोनों ही तरफ से काफी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस की पहले फितरत ऐसी नहीं थी कि वो काफी आक्रामक रहे, जो भी कारण रहे हैं उसके, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कुछ आर पार की लड़ाई का माहौल बना हुआ है, तो कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं हट रही है। और एक खास बात जो देखने में आई है वो ये है कि कांग्रेस में जो आम तौर पे जो एक तो
नायडू सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं कुल मिला के ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस में जो लोगों की पहले जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी वो काफी कम हो चुकी हैं, उसके चलते वो इकट्ठा लड़ने के लिए तैयार हैं और वो ज्यादा अच्छा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया में भी उसकी काफी झलक दिखाई देती है। जी, और फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं, डॉक्टर रामसागर सिंह नेता हैं ये बीजेपी से, इनके अलावा प्रदीप टमटा कांग्रेस राज्यसभा सांसद हैं ये, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है, लगातार सोशल मीडिया को भी अपडेट किया जा रहा है, बयानबाजी का दौर काफी जारी है, ऐसे में भोपाल में जो वॉर रूम तैयार किया गया है, क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? वो सोशल मीडिया हमेशा से फायदेमंद रहा है और हमारी पार्टी आज से नहीं बल्कि 2009 के चुनाव से ही, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में रहा था, 2009 से ही हमारी पार्टी तैयारी शुरू कर दिया था और यहाँ भी अनंत कुमार जी के, जब आडवाणी जी चुनाव लड़ रहे थे तो वार रूम बनाया गया था अनंत कुमार जी के रेसिडेंस पर जी। और वो हम लोग इसमें काफी पहले से काम कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अब अगला चुनाव मोबाइल पे होगा जी। डॉक्टर सिंह, अब तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी तो आवाज आ रही है मैडम जी, बिल्कुल। प्रदीप जी, ये तो मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया को इतना बढ़ावा देने का काम कहीं ना कहीं बीजेपी ने किया है, क्योंकि बीजेपी मोदी सरकार जैसे ही केंद्र में आई थी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को उस टाइम अपडेट किया गया था, अब क्योंकि कांग्रेस भी इस क्षेत्र में आगे आ रही है। सोशल मीडिया को बीजेपी ने आगे बढ़ाया, ये कहना तो गलत है। इस देश में जब पहली बार मोबाइल की बात, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल, ये कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार की देन है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन लोकतंत्र में देखिए जनता के बीच में अपनी बात को कहने के लिए हर मीडिया का प्रयोग है, प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया, और आज सोशल मीडिया क्योंकि अभी ये भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम हो चुका है, गाँव गाँव में इसकी पहुँच सोशल मीडिया का नकारा बीजेपी और आधा सब के लोगों ने तो आमतौर पर नकारात्मक रूप से उसका प्रयोग किया। जब इस मीडियम को देश में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कभी राजीव गांधी साहब उन्होंने कहा था हजारों लाखों लोगों को आप रोजगार से वंचित कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव मीडियम है और इस माध्यम पर कांग्रेस भी अपने समय पर सर्वों की अपनी पार्टी के पॉजिटिव एजेंडे को पहुंचाने के लिए करेगी, ना इसमें वारूम जैसी कोई ज्यादा युद्ध का माध्यम नहीं है। ये पार्टी को अपने जो पॉजिटिव कार्यक्रम है, जो सकारात्मक बात है, वो अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए, और पिछले 5 सालों में जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने किस तरह की जनता के साथ कल किया छोटा किया है उसको भी पहुँचाने का माध्यम है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी का भरपूर उपयोग करें। आज के दौर का ये पॉजिटिव मीडियम है, लोगों का अपना एक मीडिया है जहाँ कॉर्पोरेट जगत का उतना बड़ा कंट्रोल नहीं है, इस पर भी कंट्रोल तो है लेकिन जनता के बीच में भी पहुंच जा सकता है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी उस मीडियम का भी उपयोग करेगी। प्रिंट मीडिया का अपना एक स्थान नहीं है, टेलीविजन का स्थान है, कोई भी मीडिया एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता, ये सब एक दूसरे के पूरक है और इसलिए कांग्रेस उसका प्रयोग पूरे ढंग से सोशल मीडिया का भी करेगी जी। बिल्कुल। नायडू जी, एक सवाल आपसे ये है कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर हमेशा एकदम फैक्ट चीजें ही होती हों, कई बार ऐसा भी देखने को आता है कि फेक न्यूज भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकेगा? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया हमेशा से पारदर्शी रहा हो। ये जो फेक न्यूज वाला सिलसिला है ये बहुत नया भी नहीं रह गया है, लेकिन ये बात जरूर है कि इसे स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, और ये देखा जाता है कि अगर खुद आगे नहीं बढ़ सकते कम से कम सामने वाले को नीचे लाया जाए जी। ये आमतौर पे आजकल व्यवस्था हो गई, और जिसे आप वार रूम कहती हैं, वार रूम बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोगों से सीधा सीधे संपर्क बने और एक व्यवस्थित रूप से काम करने की प्रवृत्ति बने। तो वार रूम पहले भी होते थे लेकिन अब जो कंप्यूटर्स की वजह से या ऑनलाइन मीडिया की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से उसमें जो व्यवस्था करनी पड़ती है वो एक नए ढंग से की जा रही है। ये बात अपनी जगह सही है कि अब एक दूसरे की काट ढूंढने के लिए सोशल मीडिया से ही ज्यादा लोग चुने जा रहे हैं और ये अपने आप में एक बड़ी तलखी ले आया है ये माहौल
इलेक्शन में, चुनाव में आमतौर पर ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हालांकि इससे एक अजीब किस्म की कड़वाहट भी आ जाती है, लेकिन ये है कि ये अब देखा जाने लगा है, या बल्कि माना भी जाने लगा है कि ठीक है, एक मौसम होता है चुनाव का, उसमें जितनी गर्मी है वो निकल जानी चाहिए, उसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये है कि अब वो तलखी कुछ वक्त तक बनी रहती है, और चूंकि लगातार चुनाव होते रहे हैं तो वो चीज़ खत्म होने से पहले ही दूसरी चुनाव आ जाते हैं, इसलिए भी कुछ एक अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। जी नायडू सर, इसमें एक चीज भी, ऐसा सोशल मीडिया पे कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज का इतना ध्यान नहीं देते हैं, कई बार अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्या ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी? ये तो होता आ रहा है पिछले कई सालों से, मतलब हम लोगों ने, जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने बहुत सात्विक माहौल का चुनाव देखा है, तो अब ये सब चीजें देख कर थोड़ा हैरत तो होती है, लेकिन ये है कि इसको हम लोग इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कोई अभी फिलहाल इस तरह के कानून नहीं बने हैं जिसमें को रोका जा सके। हालांकि जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, और वो ये भी मानना पड़ेगा कि पहले बीजेपी ने इस चीज़ की शुरुआत की थी कि वो तलखी उस चीज़ को उन्होंने उसको अभिव्यक्ति का एक मतलब स्वीकार्य साधन का एक बड़ा जरिया बनाया था। स्वीकार्य साधन मान लिया था, मतलब उसमें जो जिस तरह की भाषा की अभद्रता थी उसको भी स्वीकार कर लिया था, जो शायद कांग्रेस के लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसी मर्यादाओं से आगे जाके बात करना कभी सीखा नहीं था। हाँ, ये बात अपनी जगह अलग है कि अब जिस तरह का माहौल बना है उसमें लोग आगे कहते थे भैया ये इलेक्शन है और इलेक्शन में हर कुछ जायज है, तो फिर कांग्रेस क्यों पीछे रहे। हालांकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास में वो क्षमता नहीं है जिससे कार्ड निकाली जा सके, फिर भी कोशिश तो की जा रही है उनकी तरफ से, अभी भी वो काफी संजीदा जबान से ही बात करते हैं, लेकिन है ऐसे कुछ तत्व हैं जो इन सब चीजों को स्वीकार करने में झिझक नहीं रहे हैं। कांग्रेस को शायद फिर भी अभी भी कुछ चीजों से परहेज है वो बनाए हुए अपनी जगह। जी प्रोफेसर गुरिंदर, ऐसा है कि सोशल मीडिया पर अब दोनों ही पार्टियां एक्टिव रहेंगी, दोनों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाएंगी, तो अगर हम जनता की बात करें तो आमजन, उनके बीच में कैसे पारदर्शिता बनी रहेगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी? कंफ्यूजन, आमजन बहुत वाइज है, बड़ा सियाना है, ध्यान सोच के वोट करता है। पार्टियों अगर दोनों को आप देखो, जब बीजेपी नंबर टू थी तो उसने ज्यादा मेहनत की और कांग्रेस से आगे निकल गई कम्युनिकेशन में जी। और कांग्रेस अभी तक अपनी मीडिया स्ट्रेटजी नहीं बना पाई है। हम जो स्टैंडर्ड पार्लेंस है, जो स्टैंडर्ड टॉक है हमारा स्ट्रेटजी का, वो ये होता है कि अगर आप नंबर टू हो तो नंबर वन के रिवर्स हो जाओ 180 डिग्री। अगर कांग्रेस वही जो बीजेपी कर रही है सोशल मीडिया में वही करेगी तो आम जन कंफ्यूज होगा और वो सिर्फ नंबर वन को वोट डालेगा जी। आम जन तभी, अगर आम जन को क्लियर कांग्रेस टॉक देगी कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इससे अपोजिट हूं, बात करने के तरीके से, जैसे एक साहब कह रहे थे कि भी कांग्रेस भी कैचअप कर रही है, अगर कांग्रेस एमुलेट करेगी, कॉपी करेगी बीजेपी की, तो बीजेपी का बेनिफिट होगा, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। लोग बड़े वाइज हैं, सोच समझ के वोट देते हैं, जो फैंसिटर है वो आ जाते हैं, उनके लिए कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी को क्लियरली डिफरेंशिएट करना होगा बीजेपी से, वो नहीं कर पा रही है कांग्रेस, बिल्कुल नहीं कर पा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को बहुत ज्यादा संजीदा रहना होगा इस मामले में। वो तो बिल्कुल सही है, देखिए इलेक्शन जीतना एक बात है, देश उससे ऊपर है। कोई भी पार्टी ये मत सोचे कि मैं किसी तरीके से इलेक्शन जीत लूं जिससे देश के यूथ में गलत मैसेज चला जाए कि ऐसा भी आप करके कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी पार्टियों को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, एक लेवल तक एक कोड होना चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे इलेक्शन नहीं जीतना चाहिए, ये डेमोक्रेसी के लिए और भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जो एक इमोशनल कंट्री है क्योंकि गरीब है उसके कारण, ये अमेरिका नहीं है जहां पैसा है लोगों के पास। जी डॉक्टर रामसागर सिंह, अब जो चुनाव होने वाले हैं, बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों की ओर से दिए गए बयानों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि आने वाले समय में उनका ऑडियो वायरल किया जा सके, क्या इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं आएगी मैडम, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट, मैं पार्टी स्तर पर बात नहीं रख रहा हूँ, पहले के जमींदार थे वो रखा करते थे लचैत को, अब उसके बाद जो राजनीतिक हुए वो लचैत को रखने लगे ग्रामीण स्तर पर वोट कब्जा करने के लिए, अभी एक साइबर लचैत भी एक बन गया है पूरे देश के अंदर,
कि पॉलिटिकल पार्टियां साइबर लठैत को रख रहे हैं, जिस आपने अभी चर्चा की कि लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं होता है, तो वो साइबर लठैतों का ही होता है जिनका कंट्रोल नहीं होता है। जो भी पार्टियां इस तरह का लठैत को पालेंगी वो पार्टी नुकसान में रहेगी। लैंग्वेज पर तो ध्यान देना ही होगा चाहे जो भी पार्टी इस बार में शामिल हो, क्योंकि ये हमेशा के लिए बन जाता है ना। अगर आपका पार्टी, अभी तो ये भी चल रहा है मैडम कि आप दूसरे पार्टी का फेक आईडी बना कर करके और सपोर्टर कह करके कुछ डाल देते हैं और फिर लगता है कि चलो उस पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, तो इससे भी बचना होगा। और इन चीजों पर बारीक नजर होती है, क्योंकि देखिए ये फ्लोटिंग वोटर्स के लिए होता है। जो आम वोटर्स होते हैं वो डिटरमिन रहते हैं कि हमको किस किधर वोट करना है, किस चीज पर वोट करना है। वो अभी सिंधु साहब बहुत अच्छा बात कह रहे थे कि बहुत वाइज होते हैं वोटर्स, इसलिए उनके वाइजनेस पर कोई कंफ्यूजन न रहे। लोग ये ना समझे कि मूर्ख होते हैं या बेवकूफ होते हैं। जो वोट करने वाले लोग होते हैं बहुत ही होशियार किस्म के होते हैं हिंदुस्तान के वोटर, इसलिए उन बातों को ध्यान रख करके कहीं बरगलाया नहीं जा सकता है। आप जो बात कह रहे हैं फिर उन बातों को तो सामने भी लाएंगे ना अपोजिशन वाले, इसलिए इन सारी बातों का ख्याल रख करके ही काम करना होता है। बट कहीं ना कहीं टेक्निकली बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा अगर इस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए चुनावों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो। हाँ, उसमें केवल इसके एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी रखना पड़ेगा वहां पे, कि जो बातों को समझ सके कि अगर इस बात को हम सोशल मीडिया पर डालेंगे तो इसका क्या प्रभाव आगे हो सकता है, इन बातों का भी ख्याल रख करके फिर वहां डालना होगा लोगों को। जी प्रदीप जी, कांग्रेस का कहना है कि हम लोग केवल जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करेंगे। या मैं आपसे नेगेटिव पब्लिसिटी समझना चाहूंगी, किस संदर्भ में आपने ये बात कही? जिस संदर्भ में आपकी डिबेट में चली रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मर्यादाओं की सीमाओं को पार जा करके भ्रम अफवाह के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करके जनता के को अपने झांसे में लाने की कोशिश की। कांग्रेस हमेशा ही एक सकारात्मक विश्वास पर बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, इसलिए कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अपने सकारात्मक मुद्दे को ले जाएगी। कांग्रेस लोकतंत्र में जो प्रतिपक्ष का दायित्व है, जो उसका दायित्व है उसको क्या कहते हैं, किस तरह से रूलिंग पार्टी ने पूरा नहीं किया उसको जनता के बीच में ले जाएगी। हम किसी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश नहीं की, हम भ्रम फैलाने की नहीं की कोशिश करेंगे। हम नागपुर की घटना के संबंध में जो फोटोशॉप अभी आपने देखा होगा किस तरह से प्रणब मुखर्जी साहब बोले थे, उसी चंद सेकंड में फोटोशॉप में उनकी तस्वीरों का किस तरह से उपयोग किया, इस तरह के माध्यम पर कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। हाँ, हम सकारात्मक मुद्दों पर अपने पॉजिटिव कार्यक्रम में इस मीडियम का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी एक सशक्त मीडियम है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा माध्यम है कि जनता के बीच में ले जाने के लिए, आपको अपनी बात को कहने के लिए अलग अलग माध्यम है, जिसमें प्रिंट माध्यम अखबार है, जिसमें टीवी है और जिसमें ये जो लेटर सोशल मीडिया है, इन सब की अपनी अपनी भूमिका है। कोई बड़ा है नहीं है, कोई छोटा नहीं, उन सब का कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में करेगी। देश के आने वाले समय में जो पॉजिटिव सकारात्मक मुद्दे हैं उन सवालों को ले जाएगी और इसके माध्यम का भी अपने विचार को लोगों तक ले जाने के लिए प्रयोग करेगी। हम किसी के खिलाफ वार जैसी भ्रमात्मक युद्ध जो ये क्रिएट करते हैं भाजपा और आरएसएस का, इसमें फंडामेंट है फेक न्यूज के, ये लोग पूरी तरह से मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ, उस ओर हम कांग्रेस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं। जी प्रदीप जी, उम्मीद तो यही है कि सोशल मीडिया के जरिए जो नजर रखी जा रही है लोगों के बीच सकारात्मक संदेश ही हो, उनसे जुड़े मुद्दे ही सोशल मीडिया के जरिए रखे जाएं, ना कि कोई नेगेटिव पब्लिसिटी की जाए। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इन चुनावों में सोशल मीडिया का उपयोग किस हद तक करती है। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। We'll be right back.
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया डॉट निम्स यूनाई पर हमें लाइक कर सकते हैं।